तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, आप नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे हु विल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ आई डोंट डू हु विल, इफ आई डोंट डू हु विल। अगला सेंटेंस मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ आई डोंट गो हु विल, इफ आई डोंट गो हु विल। अगला सेंटेंस आप नहीं आओगे तो कौन आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट कम हु विल, इफ यू डोंट कम हु विल। अगला सेंटेंस वह नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ ही डजेंट प्ले हु विल, इफ ही डजेंट प्ले हु विल। अगला सेंटेंस आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट टेल हु विल, इफ यू डोंट टेल हु विल। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।